आज जो मैं एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो बड़ी ही यू नो साइक्लिकल इंडस्ट्री से आती है। इट्स ए माइक्रो कैप कंपनी जो मैं बात करूँगा। इट इज बेसिकली फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री। बट व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू चूज दिस पर्टिकुलर कंपनी जब वो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री से आ रही है और मैं उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स साथ में कुछ थिंग्स विच शुड दे शुड इम्प्रूव अपॉन ये दोनों पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में रखते हुए। My name is Rahul Chauhan and I am your share investment strategist. और मैं एक मिशन पे हूँ। I am on a mission to educate 10 lakh Indians to become shareholder in Indian companies, showing them the path to be truly आत्मनिर्भर। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है BK Steel। तो BK Steel में ऐसी क्या खास बात है? इनके बारे में एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसकी वेबसाइट पे, राइट? कि कहाँ बनी है, क्या है, कोलकाता बेस्ड है, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। और मैं जो स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करूंगा आज मैं सीधा अभी जंप कर रहा हूँ थिंग्स विच आई थिंक आर गुड विद BK Steel। सो सबसे पहली चीज़ जो BK Steel के बारे में मुझे पसंद है कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपना डेप्ट जो कर्जा है रिड्यूस किया है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। इफ द कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेप्ट विदाउट एन हैविंग एनी इशूज, उससे अच्छा क्या हो सकता है कि कंपनी अपने कर्जे को उतारती जा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के या तकलीफ के। तो दिस इज वन साइन। सेकेंड जो मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि उनके पास जो प्रोडक्ट का मिक्स है, जो क्लाइंटेल का मिक्स है, वो दोनों है B2B और B2C। B2C की वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो डायरेक्टली मार्केट में सेल करते हैं और वो बाकी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वो दूसरे स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एक बड़ी ही खास बात है। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स को B2B और B2C दोनों के लिए रखा हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ अ ग्रेट मैनेजमेंट हैपनिंग हियर, राइट? तीसरी चीज जो मुझे उनकी पसंद है कि उनका जो रिसीवेबल डेज है इज लेस देन 60 डेज। मतलब जो उन्होंने माल बेचा उसका पैसा उनको यूजुअली 2 महीने के अंदर आ जाता है। यूजुअली साइक्लिंग इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा होता है, बट BK Steel इज एबल टू मैनेज बिलो 60, विच इज अ वेरी गुड साइन, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट विच आई लाइक स्पेशली अबाउट BK Steel इज कंपनी एक एक्सपेंशन मोड पे है। वो पूरा एक्सपेंशन कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल जो रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा डेप्ट या कर्जा नहीं उठा रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, राइट? कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है और वो बिना एक्स्ट्रा कर्जा लिए अपना एक्सपेंशन कर रही है। एंड द बेस्ट पार्ट जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वो कर्जा उतार भी रही है और एक्सपेंड भी कर रही है। तो ये एक जैसे डबल धमाका कर रही करने की कोशिश कर रही है कंपनी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब हम बात करेंगे चीज़ें जो मुझे लगती हैं कंपनी नीड टू इम्प्रूव ऑन। और उसमें सबसे पहला आता है कि कंपनी की जो सेल है, जो सेल्स के नंबर्स हैं, वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बट थोड़ा 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 करके रिड्यूस हो रहे हैं। अगर वो 2-5% 10% हर साल रिड्यूस हो रहे हैं, इट्स नॉट ए वेरी गुड साइन, राइट? सो दे नीड टू फोकस ऑन देयर फॉल्टरिंग सेल्स जो कंपनी का हो रहा है। सेकेंड, उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब कंपनी के जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोडक्शन है, वो 80% से भी नीचे है, विच इज दे एक तरफ वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनकी कैपेसिटी 80% यूटिलाइजेशन पे भी नहीं है, विच आई थिंक दे शुड नीड टू फोकस ऑन। तीसरी चीज जो मुझे उनके बारे में लगती है जो उनको इम्प्रूव करनी है, जैसे हमने बोला इट्स ए साइक्लिकल बिजनेस, स्टील इंडस्ट्री है, राइट? इट्स ऑल्सो ए कमोडिटी और यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उनके पास वो प्राइसिंग पावर नहीं है बीइंग ए माइक्रो कैप कंपनी जो अपने कस्टमर्स को जैसे ही प्राइस ऊपर जाए पास ऑन कर पाए। सो दिस इज वन थिंग दे नीड टू मिटिगेट दिस पर्टिकुलर रिस्क, कि उसको वो कैसे मिटिगेट कर पाए कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में एकदम से शार्प जंप आता है तो कंपनी के रेवेन्यूज को साथ में उनके मार्जिन को हिट किए बिना हाउ द मैनेजमेंट वुड बी एबल टू पास ऑन दोज प्राइसेस टू द एंड कस्टमर, बीट रिटेल साइड और द B2B साइड ऑफ इट, राइट? सो ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है इस कंपनी के बारे में एक देखने वाली बात है कि कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो यूजुअली, जो मैंने एक ट्रेंड देखा है, यूजुअली डेली एवरेज रहता है 1000 के नीचे, और अगर ज्यादा से ज्यादा जाता है तो 2,500 शेयर्स से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सो एक तरह से यह है कि अगर मुझे एक मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी बड़े फंड हाउस को इन्वेस्टमेंट करनी है इस कंपनी के अंदर, तो बिना ज्यादा प्राइस जंप किए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट
टू बाय दो शेयर्स, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में ऐसे कंडीशंस में ये भी होते हैं कि किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी ऑलरेडी है और वो प्राइस से बेच के निकलना चाहे तो प्राइस शार्प डाउन टर्न लेगा, क्योंकि वो डंपिंग हो रही है फिर शेयर्स की। सो ये चीज़ है जो मुझे लगता है कि इसमें देखने वाली बात है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस एंगल से अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट बीके स्टील। ये जितने भी पॉइंट्स आज मैंने डिस्कस किए हैं अबाउट देयर गुड थिंग्स और थिंग्स विच दे नीड टू इम्प्रूव अपॉन, ये सारे पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई एडिशनल पॉइंट नहीं डाला है, राइट? सो इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, आई एम कमिंग बैक विद माई फ्री मास्टर क्लास, जिसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में। गो एंड रजिस्टर फॉर माई फ्री मास्टर क्लास नाउ। To your victory, this is Rahul Chauhan signing off for today. Thank you.